नमस्कार, मैं हूं गिरीश और आप देख रहे हैं इन खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा चूक मामले में ठंड में भी सियासत गरमाई हुई है। लगातार इस मामले पर बयानबाजी जारी है। इस बीच झारखंड से एक बीजेपी कार्यकर्ताओं का वायरल वीडियो सामने आया है, जिसमें बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता एक युवक को मारते पीटते, अपना थूक चटवाते और फिर जय श्री राम के जबरन नारे लगाते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। दरअसल ये वीडियो झारखंड के धनबाद इलाके का है, जहां पर बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता धनबाद में सिटी सेंटर के पास महात्मा गांधी की प्रतिमा पर नरेंद्र मोदी के सुरक्षा चूक मामले में 2 घंटे का मौन व्रत धारण करने का कार्यक्रम उन्होंने रखा था। बीजेपी के कुछ कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा चूक मामले में धनबाद में 1-2 घंटे का मौन व्रत रखने का कार्यक्रम आयोजित किया था, जिसमें बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, धनबाद से बीजेपी के विधायक और बीजेपी के अन्य कार्यकर्ता शामिल हुए थे। जैसे ही बीजेपी के कार्यकर्ता मौन व्रत शुरू करते हैं, वहीं इसके कुछ देर बाद वहां से एक शख्स गुजरता है, जो पहले तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को गाली देता है, खरी कोटी सुनाता है और फिर सभी लोगों को अपमानजनक बातें कहने लगता है। कुछ देर तक बीजेपी के कार्यकर्ता कार्यक्रम के चलते चुप रहे, लेकिन जैसे ही पानी सर से ऊपर जाने लगा तो वे खुद इस मामले का इंसाफ करने के लिए उतर गए। वे पहले तो युवक को पकड़ते हैं, मारते पीटते हैं, यहाँ तक कि अपना थूक चटवाते हैं और फिर जबरन उस युवक से जय श्री राम के नारे लगवाते हैं। इस पर युवक कहता है कि मुझे इसलिए मारा पीटा जा रहा है क्योंकि मैं अल्पसंख्यक समुदाय का हूँ। बताया जा रहा है कि युवक मुस्लिम समुदाय का है। जैसे ही इस घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगता है, तो तुरंत इस मामले पर विपक्षधारी सत्ता के सीएम हेमंत सोरेन ने धनबाद आयुक्त को टैग कर इस मामले पर संज्ञान लेने को कहा, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बीजेपी के कुछ कार्यकर्ताओं के घर पर छापेमारी की और अब तक 4 लोगों को इस मामले पर गिरफ्तार किया गया है। वहीं इस मामले पर बीजेपी का कहना है कि यह एक सोची समझी साजिश है और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ ऐसी भाषा का इस्तेमाल करना सरासर गलत है। इस मामले पर युवक के भाई की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। उसने कहा कि युवक का दिमागी तौर पर संतुलन ठीक नहीं है, उसका इसके चलते इलाज भी चल रहा है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जबरन उसे पीटा और फिर थूक चटवाया, जो कि पूर्ण रूप से गलत है। देश दुनिया की तमाम नई अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए इन खबर।